दिस इज लेसन ऑफ क्लास अर्थ चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 5 फेडरलिज्म संघवाद यानी संघात्मक गणराज्य। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म हमें बताता है कि हमारे देश में एक से अधिक सरकारें हैं। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। भारत में स्टेट लेवल पर सरकार है और यानी राज्य के लेवल पर प्रादेशिक सरकार और सेंटर माने केंद्र शासित। तो भारत के लोग दो तरह की सरकार के आदेशों नियमों का पालन करते हैं, एक राज्य सरकार दूसरे केंद्र की सरकार। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब पंचायती राज जिसका कि प्रधान होता है हेड गांव का प्रधान, तो वो तीसरी प्रकार की सरकार का है। यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। तुम इसके बारे में कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ चुके हो, थर्ड टायर यानी पंचायती राज के बारे में। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन ए क्लास 7 बुक। कक्षा 7 की पुस्तक में हम इस बात को देख चुके हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। एंड दिस ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वर्ष आप केंद्रीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीन प्रकार की सरकार, एक केंद्र की सरकार जिसका शासन पूरी इंडिया में, राज्य सरकार जिसका शासन प्रदेश में, और ग्रामीण पंचायती राज जिसका। तो इस तरह से द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन्ट दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड। बड़ी संख्या में समुदाय रहते हैं भारत में, इसका अर्थ है एक ऐसे सिस्टम की सरकार की जरूरत है दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्संस सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। जो कि न्यू दिल्ली की कैपिटल सिटी में बैठे हुए लोग भी उसमें इन्वॉल्व ना हो एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन, और वे ही सबके लिए निर्णय ना लें। इंस्टीड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनोदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसके बजाय एक दूसरे स्तर की भी सरकार यानी प्रादेशिक सरकार स्टेट सरकार हो, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पार्टिकुलर एरिया। स्टेट सरकार एक प्रदेश पूरे प्रदेश के लिए पार्टिकुलर एरिया के लिए नियम बनाती है। इस प्रकार प्रादेशिक सरकार के नियम प्रदेश में लागू होते हैं केवल, जब केंद्र के नियम केंद्र सरकार के नियम पूरे देश में लागू होते हैं। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सपीरियंसिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज। जबकि प्रत्येक राज्य सरकार जो है उसकी अपनी स्वायत्तता है, उनको अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का अपने इशू यानी अपने विषयों पर वो नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल द पीपल ऑफ दीज स्टेट फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और राष्ट्रीय चिंता के जो विषय हैं वो उनको इस बात की जरूरत है कि सभी राज्य के लोग सभी राज्यों के लोग केंद्रीय सरकार के नियमों का पालन करें। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशू ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि किस लेवल की सरकार राज्य लेवल की सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। इन एडिशन इसके अतिरिक्त द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क ऑफ द इट डज।
इसके अलावा कानून में ये भी लिखा है कि प्रत्येक जगह की सरकार अपना कार्य को चलाने के लिए कहां से धन प्राप्त करेगी। अंडर फेडरलिज्म संघात्मक गणराज्य के अंदर द स्टेट्स आर नॉट ओनली मेयरली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें जो हैं केंद्रीय सरकार की एजेंट मात्र नहीं है बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, लेकिन उन्हें संविधान से अधिकार प्राप्त है कानून बनाने के लिए। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सभी लोग भारत में जितने भी रहते हैं उनको इन नियमों इन नीतियों का जो सरकारें बनाती हैं उनका पालन करना पड़ता है। अब नंबर टू है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का पार्लियामेंट्री स्वरूप विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा आदि। द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड, विभिन्न प्रकार की सरकारें राज्य सरकार केंद्र सरकार जिनको अभी भी आपने पढ़ा है कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनमें प्रतिनिधि होते हैं एमपी एमएलए हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शन में। योर क्लास सेवेंथ बुक बिगैन द स्टोरी ऑफ द कांता, आपकी कक्षा सात की पुस्तक कांता की स्टोरी से आरंभ होती है। हु वाज स्टैंडिंग इन ए लाइन टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन, जो कि चुनाव के दौरान एक लाइन में खड़ी है और वो वोट डालना चाहती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि प्रत्येक एडल्ट को वोट देने का अधिकार है मताधिकार, जितने भी भारत के नागरिक हैं। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान सभा के लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के बनाने वाले लोग फेल्ट ये अनुभव किया उन्होंने दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, की फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता आंदोलन ने एक ऐसा रास्ता बनाया है कि सार्वभौमिक रूप से सभी एडल्ट लोगों को मत देने का अधिकार हो, एंड दैट दिस वुड हेल्प इनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट, इस तरह से प्रजातंत्रात्मक सरकार की स्थापना होगी, एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज, और इस प्रकार से जाति और वर्ग और लिंग भेद की जो वर्गीकरण है उसकी जंजीरों को तोड़ा जा सकेगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया, इसका अर्थ है कि भारत के लोग हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को चुनने में उनका सीधा रोल था, वे सीधे चुन सकते हैं। आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, और प्रत्येक भारत का वो अगर वो नागरिक है वो किसी भी जाति धर्म का हो सामाजिक बैकग्राउंड कुछ भी हो वो चुनाव में चुनाव लड़ सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट व्हाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू गवर्नमेंट टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट टू ऑफ दिस बुक, इस किताब के यूनिट टू में तुम देखोगे कि आगे पढ़ोगे कि इन प्रतिनिधियों का कार्य डेमोक्रेटिक शासन चलाने में कितना इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, राज्य के तीन अंग होते हैं, दीज आर द लेजिस्लेचर
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हैं विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका मतलब कानून बनाने वाले, लेजिस्लेचर, कानून का पालन करने वाले एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी मतलब न्यायालय, कोर्ट। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। कार्यपालिका में कम लोग होते हैं और उनका कार्य होता है, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, नियमों का पालन कराएं और सरकार चलाएं। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड इन मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। न्यायपालिका के बारे में आप इस पुस्तक के यूनिट 3 में अधिक पढ़ोगे। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। ये देश में न्यायालय को बताता है किस तरह से न्यायालय काम करता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट। राज्य की किसी ब्रांच के द्वारा अगर शक्तियों का गलत प्रयोग किया जाता है तो उसे रोकना ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान कहता है दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंटली। इन सभी अंगों को अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। दो दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। राज्य के प्रत्येक अंग को कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका एक दूसरे पर अंकुश रखती है, चेक रखती है, ताकि वो गलत कार्य अपनी पावर का मिसयूज न कर पाए। एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल देम। और इस तरह से उनमें पावर का, शक्ति का संतुलन रहता है।